गाइस अभी हम नहा के आ गए हैं तो ऐसे हमारे फौजी साहब लगा रहे हैं हमें क्रीम, थोड़ा बिछाई है, आप पूरा नहीं दिख रहे हैं। वाह क्या मालिश हो रही है, फेशियल हो रहा है गाइस हमारा। टैटू में इधर खड़े हो जाओ, तो ऐसे दिख नहीं रहे आप, आधे आधे दिख रहे हैं। गाइस फौजी साहब हमारी सेवा कर रहे हैं। वाह क्रीम भी बोले नहीं, कंबल ले लूंगी मैं ना, नहीं नहीं ये नहीं ले जाएगा पर है ना बैग ले। बहुत सारे दिन रहे गाइस, और मम्मी के सामने में और नहीं रोऊंगी गाइस, हिम्मत करूंगी कि मम्मी के सामने नहीं रोऊंगी। गप मजा आ गया, छट पड़े हम अपने घर छोड़ कर गाइस। गाइस पापा ने उठाया हमारा बैग, गाइस पहुंच गए हम अभी जहाँ से हमने बस पकड़नी है मशाल में, और अभी जो है गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। बबलू राजी कर लो मैं नानी के साथ बात करता हूँ। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों न्यू ब्लॉग की शुरुआत सुबह ही कर रही हूँ, और जो भी नए आएंगे प्लीज़ प्यार दीजिएगा अपना, और जो छोटू आ गए हैं उनको सबको मेरा प्यार और आशीर्वाद। और दोस्तों आज जो है हमें जाना है, मतलब हिमाचल छोड़ के जाना है अपने ससुराल, तो ब्लॉग एंड तक देखिएगा दोस्तों, कैसा कैसा क्या क्या होगा मुझे भी खुद मालूम नहीं है। अभी रोने के लिए आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, अभी तो मैं हंस रही हूँ। और आज क्या क्या करने वाले हैं दोस्तों, पैकिंग तो आपने देख ली है, तो सिर्फ लास्ट लास्ट कपड़े रखे हुए बाहर जो हम जाती बार पहनने वाले हैं। मैंने ये इसलिए पहना हुआ है गाइज, मतलब ये सूट, क्योंकि मैं इसको नहीं लेके जाने वाली, ये ख़राब भी हो गया है, तो मैंने जो दूसरा सूट डालना है एकदम नॉर्मल सा सूट डालना है, क्योंकि गाइज क्या है कि सोते हुए ख़राब ही हो जाता है। और अंशु भी साथ में है, तो अंशु का भी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ है कि उसने कौन सा सूट पहनना हुआ है। और चलते हैं बाहर दोस्तों, हमारे फौजी सब सोए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं बाहर, तो अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए दोस्तों नानी है मेरे, और इधर मम्मी, मम्मी नानी, लहसुन छिल रहे नानी, अरे देखो मम्मी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मम्मी? मैं बात कर रही है, थोड़ा दे सुरी निकालना। अच्छा अच्छा, इसमें डालनी है मैंने दाल। अच्छा गाइस तो ये देखिए इसमें रहा है चावल, मतलब शाम के चावल रहे हैं, तो मम्मा वो निकाल के साफ कर रहे हैं, फिर बनाने वाले हैं खाना, ठीक है। और गाइस ये हमारे कटोरी, हाँ ये हमारे थर्मोस है, मतलब हमारे मतलब अंशु के अंशु के ये गाइस, तो इसको भी मैंने धोया हुआ था लेकिन फिर से धो देना है गर्म पानी से, ठीक है, ये बहुत काम के आएंगे हमें, इसमें गर्म पानी लेके जाएंगे। और गाइस ये अंशु की कटोरी, गाइस ये चांदी की कटोरी है, कीर्तन भी है, हाँ वो तो बाद में लेंगे हम, चांदी के चम्मच, और ये कटोरी है दोस्तों, जब वो बहुत छोटू सी थी ना गाइस तब ली हुई है ये। तो अभी चलते हैं हम अपने वाले रूम में, तो अभी हमें जो है ना गाइस
जो जो सामान लेना है वो हम इधर रख देते हैं, क्योंकि हमने इधर रखा हुआ था ना, तो अभी ले रहे हैं हमें इस सामान को। हमारे फौजी साहब सोए हुए हैं और फौजी साहब को पड़ी हुई है नींद, है ना, है ना। उठ जाओ, उठो। नहीं उठ रहे हैं, सोने देते हैं इनको, ऐसे रख देते हैं। और चूँकि चोटू के रबड़ हैं ये वाले गैस, ये वाले तो ये भी मुझे लेने हैं, और उसके चोटू भी करने गए। एक और था इसका ना, बदने का गुम हो गया। तो गैस ये मेरा छोटू सा फ़ोन का स्टैंड है, तो मैं इसको भी लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी फ़ोन का स्टैंड नहीं है, तो इसको लेने वाली हूँ। और दोस्तों ये देखिए फौजी साहब ने अंशु के लिए क्या क्या लाया है, क्योंकि हम जब मार्केट गए हुए थे तब लेके आए थे अंशु के लिए, मतलब थोड़े से बिस्किट वगैरह लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों हम बोरी भर कर लेके आए अंशु के लिए। ये गाइस देखिए इतना सारा इधर रख लेते हैं हम। गाइस तो अभी जो है पैकिंग मतलब थोड़ी बहुत रह गई थी, वो दूध वगैरह की बोतल, तो वो नहीं डाली, बाकी मैंने कर दी है। तो दोस्तों मेरे हाथों में जो है वो नील पेंट नहीं लगी थी नेल्स में, तो मैंने सोचा कि ये वाला कलर लगा लेती हूँ, मम्मा का नील पेंट है ये। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हम अपने ससुराल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमने जो है नील पेंट लगा ली है। और गाइस ऐसा मन कर रहा है ना कि थोड़ी बहुत मेहंदी लगा दूँ, इसको पहले बंद कर लेती हूँ। मैं ना सीधे हाथ में नहीं लगाती, मैं उल्टे ही हाथ में लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस ये है मेहंदी, तो ऐसा मन कर रहा है कि डिज़ाइन बना लूँ, फिर एक मन बोल रहा है कि नहीं बनाना है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी को पूछती हूँ, मम्मा मेहंदी लगा लूँगी नहीं, सूखने वाली है। मम्मी बोलती देख ले, ऐसे मन कर लगा लेती हूँ। ये बंद है ना गाइस, फास्ट की पे है ना, ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है इसको, फास्ट क्लिप ना गाइस, बहुत जल्दी लग जाती है। अभी ये भी बंद होगा, अभी ये कैसे निकालना, है मम्मा सुई है, सुई कैसे निकालते हैं हम, लगा ही लेते हैं ये। गाइज अभी मतलब एक दिन नहीं रहा और नाइट भी नहीं जाएगी अभी मायके में, तो अभी मिनट का ऐसा हो रहा है कि मतलब एक घंटा गया, दूसरा घंटा गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो बस अब कुछ घंटे बाकी है। दोस्तों मम्मी लेके आ गए उसका ढक्कन अच्छे से निकाल के, तो निकल नहीं रहा था सुई के साथ भी मेरे साथ, तो अभी मैं लगा लेती हूँ थोड़ी सी मेहंदी, ऐसे निकलेगी तो ठीक है लगा लेते हैं। बहुत मोटी सी निकल रही है गाइस, मोटू मोटू सी होगी गाइस, ये तो ऐसी सूख जाएगी, तो उससे अच्छा हम लगा ही लेते हैं। तो हमें मेहंदी भी लगाने के लिए नहीं आता है, हमारे बाबू है ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं वो। दोस्तों अभी हम आप सभी के साथ ना नहा धोकर
और अपने फाइनली जो हम कपड़े पहनने वाले हैं, मैं, अंशु, अंशु के पापा, तब आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया तो फिर नहाए धोए भी नहीं हैं, तो बारी बारी से सब नहा धो रहे हैं, अभी नाना गए थे नहाने के लिए। तो आज बहुत खिलखिलाता मौसम भी हुआ है, तो सबसे पहले हम आपको मौसम ही दिखा देते हैं। तो मौसम आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छा सा निकला हुआ है। जब भाभो जा रहे थे ना अपने मायके में, तो भी ऐसे ही मौसम हुआ था, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो हर दिन मतलब धूप लगती ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो आज भगवान को क्या आई दया हमारे ऊपर कि मतलब बारिश में भीगे ना आइए, हिमाचल से जा रहे हैं लास्ट बार, तो मतलब अच्छे से खिलखिलाती धूप दे दी है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा मौसम दिखा देते हैं। ना 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 हमारी मेहंदी जैसा गाइस, और देखिए गाइस, अंशु के पापा जो हमारे फौजी सब ब्रश कर रहे हैं, और धूप पता कैसी लगी हुई है दोस्तों, जैसे ठंड के टाइम में लगती थी धूप, वैसी धूप लगी है, है ना अम्मा? ठंड के टाइम में लगती थी धूप, वैसी धूप लगी है ना? ये देखिए कितने सुंदर सा प्यारा सा मौसम हुआ है अभी। ऐसे बोल नहीं सकते कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी फरवरी का मौसम है, बर्फ पड़ता है पहाड़ों में और बहुत खूबसूरत दिखता है हिमाचल। तो ये पहाड़ छोड़कर जा रहे हैं आज हम, मम्मा पापा के पास, पापा नहा रहे हैं अभी, नहाने वाले हैं, जाओ लेके जाओ उसको, रुक जाओ मम्मा, पापा ब्रश कर रहे हैं। गाइस हम अंशु को सबसे लेट नहाने वाले हैं, सबसे लास्ट में, है ना मम्मा? गाइस अभी हम नहा के आ गए हैं, तो ऐसे हमारे फौजी साहब लगा रहे हैं हमें क्रीम, थोड़ा बिछाइए आप, पूरा नहीं दिख रहे हैं। वाह क्या मालिश हो रही है, फेशियल हो रहा है गाइस हमारा। टैटू में इधर खड़े हो जाओ, तो ऐसे दिख नहीं रहे आप, आधे आधे दिख रहे हैं। गाइस फौजी साहब हमारी सेवा कर रहे हैं, वाह क्रीम बीम लगा रहे, पाउडर नहीं लगा रहे, पर कैसे कैसे क्रीम लगा दी। तो गाइस अभी जो है ना हम नहा धो के आ गए हैं और बस अभी खाना खाना है। तो आप बोल रहे होंगे दीदी ने तो ड्रेस चेंज ही नहीं किया, तो गाइस मम्मी बोलते हैं अभी टाइम है थोड़ा मतलब तैयार होने के लिए, तो इतनी जल्दी भी है आप कपड़े मत पहनो जो आपको जाने के लिए पहनने हैं। तो फौजी साहब ने भी नहीं पहनने हैं, दोनों ने पुराने कपड़े, मैंने पुराने कपड़े पहने, और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं दोस्तों। फौजी साहब ने क्रीम तो लगाई दी, थोड़ा सा ही लगाती क्योंकि अभी मुझे खाना खाना, मुझे बड़ी बहुत जोर की भूख लगी है, और बिंदी का मिलेगी मुझे, ये बहुत बड़ी बिंदी है लेकिन लगा लेते हैं, पता नहीं किसने दी है मुझे, सुंदर है वैसे, कंगी थी, कंगी कहीं तो देखी थी मैंने चेयर में, गैस लग गई बिंदी भी। तो दोस्तों हम खाना खुना खा के मिलते हैं आप सभी से, तो बाय। निकाले यहाँ तैयारी। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और फौजी साहब बचे हुए हैं तैयार होने के लिए, और अंशु भी सोई हुई है थोड़ी देर, तो हमने जो है खाना कुछ नहीं खाया, मुझे तो डर ही लग रहा है क्योंकि सफ़र में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और गाइस मुझे ना बड़ी वाली बिंदी दे दी नानी जी ने, तो मैंने बड़ी वाली बिंदी लगा ली, और अभी जो है मेरी कंघी भी कर ली है। तो अम्मा जी ने जो है, मेरी दादी माँ मतलब, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तेल डाला हुआ है, ये देख सकते हैं मेरे हेयर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दादी माँ ने मेरी चोटी बनाई, अच्छे से मालिश विलिश किया सर की, तो अभी जो है बस थोड़ी देर में जो है वो निकल जाएंगे हम अपनी जर्नी के लिए। तो दोस्तों अभी मम्मा खाना बना रहे हैं, तो सुबह तो सबके लिए बना रहे थे नाश्ता बिस्ते के लिए, लेकिन अभी हमारे लिए बना रहे हैं, तो मम्मा बना रहे हैं, मम्मा जो है वो आटा गूंद रहे हैं, ये देखिए आटा
आटा छन्नी कर रहे हैं मम्मी, इसके बनाने वाले हैं फुलके। और गाइस मम्मा ने जो है ना हमारे लिए बनाया हुआ, फौजी साहब के लिए बनाया हुआ बैंगन, और ये दे सकते हैं बैंगन की सब्जी। और मुझे बैंगन नहीं खाने थे तो मम्मा ने मेरे लिए करेले बनाए हुए हैं। तो ये सब जो है हम लेके जाने वाले हैं टिफ़िन में। तो गाइज़ एक टिफ़िन में जो है हमने अचार भर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि गाइज़ किसी किसी सब्जियों में जो है वो नमक नहीं होता है और ना अचार मिलता है। तो फौजी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है अचार, तो इतना सा भर लिया हमने। और अंशु को भी पसंद है, और ये जो है नमक भर दिया है दोस्तों, ये देखिए। तो ये दोनों डब्बे जो है वो इसमें रबड़ लगा लिए, इसके थोड़ा सा ढक्कन लूज़ हो गए हैं तो इसलिए जो है वो रबड़ लगा दिए हैं फौजी साहब ने। और बस अभी खाना बनने ही वाला है, मम्मा सुबह से लगे हुए हैं और अभी जो है मम्मी हिलाएंगे सब्जी को। मम्मी खाना बना रहे हैं, मम्मी की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था मेरे से, क्योंकि मम्मी जो है ना सुबह ही रोने जैसा मुंह कर दिया था मम्मी ने, इसलिए मैं मम्मी की तरफ ज़्यादा देख भी नहीं रही हूँ ना बात कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी फटक से रोने लग जाते हैं। अंदर अंदर तो मुझे भी आ रहा है गाइस, मुझे सब बोलते तुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो गाइस हर एक लड़की को अपने मायके की याद आती है। तो अभी फुल पैकिंग हो गई है हमारी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। और बस अभी थोड़ी देर में खाना भी खाने वाले और निकलने वाले हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दोस्तों आप सभी से। गाइस अभी आ गया टाइम जाने का, ससुराल जाने का, तभी ले लेते हम अपना वाला बैग। और ये वाला बैग लेने वाली हूँ मैं, और अभी जो है वो फौजी साहब कर रहे हैं अंशु के दूध भी बोतल जो है। और बाकी बाहर चला गया है ना, अपना फोन ले लेना। ये क्या क्या है हम अल इस झोले बाहर आ जाओ, तुझे फोन फोन नहीं था, चलो बाहर चलो मामा। ले मामा इसको पकड़, इसो सोल आए जिम दे जाम तेरा अंदर सो सोल ले, बस ये ब्लूटूथ ही ना है ये तो नहीं पाना, ये ले ये ना पुला ना ले। तो गाइस अभी अंशु भी रेडी हो गई है। अंशु वाबो नाना पैसे दे रहे रहने दो नाना, वो ना पर्स में डाल दे, परसों पाए दे अम्मा दे परसों पा दे। गाइस ये रख दिया हमारा सामान, ये देखिए आ जा तुम, आ जा अपना नानी के पास राजी कर ले मम्मा। नहीं कंबल ले लूंगी मैं ना, नहीं नहीं ये नहीं ले जाएगा पर है ना बैग लेना। आ रहा हूँ ना मैं फिर से ही। चलो आ गई है, बोला ना नीचे आई है, नीचे ना नहीं वहाँ आई है, सामान यहाँ रखना है, सामान उधर रखना हमने। चलो हाँ इन चढ़ दे अम्मा, इसलिए दूजे तू हाँ इसलिए कने लाल बैग गान छुपा पे आई आना। अब चल मम्मा ये ठीक करिए इन्दे, हाँ
जाइए गाइज, हमारा सामान छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अम्मा जी पापा जी भी चले गए हैं आगे, तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तो इधर से निकल रहे हैं। हाँ नहीं आगे आइए। हाँ गाइज, कैसा होता है ना, मतलब कुछ टाइम कितना अजीब जैसा होता है ना। पापा अंशु अंशु फौजी साहब भी चले गए उधर ना, बहुत सारे दिन रहे गाइज। और मम्मी के सामने में नहीं रोऊंगी गाइज, हिम्मत करूंगी कि मम्मी के सामने नहीं रोऊंगी। गाइज अभी पता नहीं, बारिश भी आ रही है, भगवान ऐसा ना करे बारिश आ जाए। थोड़ी थोड़ी पड़ गई है बारिश। बारिश आ रही है ना, मेरी नानी ठीक रहे हो मेरे बच्चे देखो ठीक रहे हो देखो बच्चे जो के नाम पूछा नहीं है मैं लिखे मेरे दादी ने चला तू ठीक रहे हो ना इधर ही जाया हो तो देखे ना जैब पैजे ओ जैब पैजे जी जे जी पप्पा हो गया अभी गप मजा गेम छटपटे हम अपना घर छोड़ कर गए बारिश आ रही चलो चलो गाइस अभी चल पड़े हम और बारिश भी आ रही है। तो गाइस इधर कच्ची सड़क है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी रात को, तो गाड़ी नहीं आ पाई। मैं से बोला भी नहीं जा रहा गाइस। गाइस पापा ने उठाया हमारा बैग, बारिश बड़ी जोर की आ गई है ना। अंशी तो बोलेगी नानी आजा बस में आजा। गाइस तो देखिए आगे है गाड़ी, तो आधा सामान उसमें रख दिया है और बस एक ही बैग बचा हुआ है। पाँच मिनट में पहुँच जाएगी गाड़ी है।
ये आके रखना गाइस। ये देखिए हमारा सामान, खोलो खोलो ये। अच्छा ये 5 मिनट हो गड्डी ओके यार आ गए टूट गया ना। चलो अबे बिना देखो तो बहुत बहुत थाम से आपका पर्ची कहाँ है? आपका पर्ची गाइज पहुंच गए हम अभी जाम से, हमने बस पकड़नी है मछियाल में और अभी जो है गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। दोस्तों अभी डिक्की में सामान सेट कर रहे हैं। ये भी रख दो, ये तो ना दिख जाए बस और ढूंढना। बापरे कहाँ कहाँ से घुसना पड़ रहा है, उधर सामने से ही आ जाते। मम्मी तो आई नहीं गाइस, मम्मा रो रहे हैं। नानी को बोलना ही होते नहीं रोते, आज राज्य कर दे नानी को, नानी को लाज करते, पप्पी देते नानी को, आशु आशु करते नानी को, पप्पी करते आ जाए मेरी हो नानी अगर आ जाए ना। तो दोस्तों हमारी बस जो है स्टार्ट हो चुकी है और पापा थोड़ी दवाई लेने के लिए गए हैं अंशु की, थोड़ी सी वो हम भूल गए थे तो वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए पापा और चाचू जी गए हैं आगे मेडिकल में और मम्मा और अंशु के पापा जो इधर वेट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में बस अब हम जाने वाले हैं। तो बाय बाय हिमाचल, बहुत याद आएंगे। इधर भी भेड़ जाएंगे।
लाची के ले लाची के ले लाची के ले चलो मजा आ रहा है ले आप क्या लिया साड़ियां ना देख ले मस्त है ले भी ले ले ठीक है तो ध्यान रखना है ना ध्यान रखना है ना ठीक है भैया वो सर रख रहे हैं तो ये ले लिया ध्यान मोमो खाने जीजी लाए तेरे को अच्छे जीजी खाए तो ठीक है उठो जा पापा बाहर चल जा ठीक है बच्चे ठीक नहीं तो बस ठीक ओ देख नानी हो मम्मा दोस्तों फिर अभी अंधेरा हो गया है तो अभी अच्छे से हमारा चेहरा भी नहीं दिखेगा ना हम दिखेंगे तो गाड़ी की लाइट ऑन है तो वो ग्रीन कलर की है ब्लू कलर की है सॉरी दोस्तों और अंशु देख रही है मोबाइल और फौजी साहब भी बैठे हुए साथ में तो मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में दोस्तों तो ठीक है दोस्तों फिर बाय बाय